हेलो स्टूडेंट्स आज इस वीडियो में हम चैप्टर एवन एल एक्सरसाइज इलेवन पॉइंट टू से क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर थ्री देखिए अ क्यूब इज अ थ्री डायमेंशियल फिगर एज शोन इन फिगर इलेवन पॉइंट वन वन क्यूब एक थ्री डायमेंशियल फिगर है जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया गया है ये एक क्यूब है इट हैज सिक्स फेसिस एंड ऑल ऑफ दैम आर आइडेंटिकल स्क्वेयर्स क्यूब में सिक्स फेसिस होते हैं और सभी फेसेस जो है स्क्वेयर शेप के होते हैं तो देखिए इसमें सिक्स फेसिस हैं फर्स्ट फेस ये ऊपर की तरफ है सेकंड फेस जो है ये नीचे की तरफ है तो देखिए टू फेसेस तो ऊपर और नीचे होते हैं और बाकी फोर फेसेस जो हैं इसके चारों ओर होते हैं तो इस क्यूब में टोटल सिक्स फेसेस होते हैं और सभी फेसेस जो हैं स्क्यर शेप के होते हैं देखिए स्क्वेयर शेप के हैं लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब इज़ गिवन बाय एल क्यूब के एक एज की लेंथ जो है एल है ये क्या है इसके एज इन एज की लेंथ क्या है एल फाइंड द फॉर्मूला फॉर द टोटल लेंथ ऑफ द एजिस ऑफ अ अब कहा गया है कि क्यूब के एजिस की टोटल लेंथ के लिए फॉर्मूला फाइंड कीजिए और दिया गया है कि क्यूब के एक एज की लेंथ क्या है एल तो देखिए लेंथ ऑफ एन एच ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू एल क्यूब के एक एज की लेंथ क्या है एल नंबर ऑफ एजिस क्यूब एक क्यूब में कितने एजेस हैं ट्वेल्व तो देखिए क्यूब में जो है ट्वेल्व एजेस होते हैं देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व तो क्यूब में कितने एजिस होते हैं ट्वेल्व तो नंबर ऑफ़ एजिस इन अ क्यूब इज इक्वल टू ट्वेल्व देर टोटल लेंथ ऑफ द एजिस ऑफ अ क्यूब तो क्यूब के एजिस की टोटल लेंथ क्या होगी देखिए क्यूब के एक एज की लेंथ एल है और क्यूब में टोटल कितने एजेस हैं ट्वेल्व तो इन ट्वेल्व एजेस की लेंथ क्या होगी देखिए एक एज की लेंथ एल है तो ट्वेल्व एजेस की लेंथ क्या होगी ट्वेल्व को मल्टीप्लाई कर देंगे एल से ट्वेल्व इन टू एल इज़ इक्वल टू ट्वेल्व एल दे फो टोटल लेंथ ऑफ द एजिज ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ट्वेल्व एल तो क्यूब की एजिस की टोटल लेंथ के लिए फॉर्मूला क्या है ट्वेल्व एल अब क्वेश्चन नंबर फोर देखिए द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन विच जॉइंस टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड आल्सो पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल सी इज इट्स सेंटर एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ द सर्कल डी इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस आर तो देखिए सर्कल का डायमीटर क्या होता है एक लाइन जो सर्कल पर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती है और सर्कल के सेंटर से होकर गुजरती है वो क्या होती है डायमीटर जैसे कि यहाँ पर ये फिगर दिया गया इसमें ए बी डायमीटर है देखिए ये जो लाइन है ये सर्कल पर दो पॉइंट्स ए और बी को ज्वाइन कर रही है और सर्कल के सेंटर यानी सर्कल का सेंटर क्या दिया गया सी सी से होकर गुजर रही है तो ए बी क्या है इसमें डायमीटर है अब कहा गया है कि एक्सप्रेस द डायमीटर ऑफ द सर्कल डी इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस आर कि सर्कल के डायमीटर को इसकी रेडियस के टर्म में एक्सप्रेस करना है अब देखिए रेडियस क्या होती है एक लाइन सेगमेंट जो सेंटर से सर्कल की सर्कम पर मीट करती है वो रेडियस कहलाती है जैसे कि देखिए यहाँ पर ये सी सेंटर है और इससे ये लाइन सेगमेंट जो है इस सर्कल की सर्कम पर यहाँ मीट कर रही है तो ये सी पी रेडियस है इसी तरह ए सी भी रेडियस है और बी सी भी रेडियस है तो ये तीनों जो है रेडियस है अब देखिए सर्कल की रेडियस जो होती है वो इक्वल होती है तो यानी ये तीनों रेडियस जो हैं वो इक्वल है अब सी पी बराबर है आर के तो ए सी भी आर के बराबर है और बी सी भी आर के बराबर है तो ये तीनों जो है बराबर है आर के और डायमीटर ऑफ द सर्कल इज़ डी और इस सर्कल का जो डायमीटर है वो डी दिया गया है यानी ये ए बी जो कि डायमीटर मीटर वो किसके बराबर है डी के तो देखिए रेडियस ऑफ द सर्कल इज़ इक्वल टू सी पी इक्वल टू ए सी इक्वल टू बी सी इक्वल टू आर तो देखिए ये तीनों जो है सर्कल की रेडियस और ये तीनों किसके इक्वल है आर के इक्वल है डायमीटर ऑफ द सर्कल ए बी अब सर्कल का डायमीटर क्या दिया गया है ए बी और ये ए बी इक्वल है ए सी प्लस बी सी देखिए डायमीटर क्या है सर्कल का ए बी और ये किसके इक्वल है देखिए ए सी प्लस बी सी अगर मैं ए सी में बी सी प्लस कर दूँ तो ये पूरा डायमीटर हो गया तो ए बी इक्वल है ए सी प्लस बी सी तो देखिए डायमीटर ऑफ द सर्कल ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी अब देखिए जो डायमीटर है वो हमें क्या दिया गया है डी यानी ए बी हमें डी दिया गया है इक्वल टू तो ए सी और बी सी किसके इक्वल है आर के तो ए सी और बी सी की जगह मैंने आर लिख लिया आर प्लस आर डी इक्वल टू तो देखिए ये वन आर है और ये वन आर है वन प्लस वन कितना हो गया टू आर तो डी इक्वल टू टू आर तो देखिए हमें कहा गया था कि डायमीटर को रेडियस के टर्म में एक्सप्रेस करना तो देखिए हमने सर्कल के डायमीटर को इसकी रेडियस की टर्म में एक्सप्रेस कर दिया तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर थ्री और फोर सॉल्व करा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैंक यू